दोस्तों 2018 चला गया, अब 2019 की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि गूगल के ऐसे कौन कौन से सर्विसेज हैं जो 2019 में आपको देखने को नहीं मिलेगा। मतलब ये है कि 2018 में अनाउंस कर दिया गया है कि इस सर्विस को डिसकंटिन्यू कर दिया जाए, मतलब कि इसको अब बंद करने की कगार पे है। तो ऐसे में चूंकि गूगल जो है बहुत ही नामी कंपनी है, आपके हमारे इंटरनेट मतलब जो है गूगल ज़रूर समझते हैं, ऐसे में आपको जो है इस वीडियो को लास्ट तक देखनी चाहिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं एज इन्फॉर्मर। दोस्तों वीडियो शुरुआत करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। देखिए, सबसे पहले जो सर्विस के मैं नाम ले रहा हूँ वो है गूगल इनबॉक्स, या जिसे कहा जाता है इनबॉक्स बाय गूगल। अब ये क्या है? देखिए, जैसे जीमेल इस्तेमाल करते हैं ना, गूगल का ईमेल सर्विसेज जो है फ्री में, ऐसा ही गूगल एक और सर्विस स्टार्ट किया था जिसका नाम इनबॉक्स बाय मतलब गूगल रखा, जो कि जीमेल की तरह था, बस वहाँ पे कुछ फंक्शन ज़्यादा कर दिया था। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब सोच रहे होंगे अब ऐसा कौन कौन सा फंक्शन, तो मैं आपको बता दूं कि अभी जो फंक्शन आपको जीमेल में अपग्रेड करने के बाद, आप देखते होइएगा कि इस साल जो है 18 में आपको जो है गूगल का जो जीमेल सर्विसेज है इसमें नया इंटरफेस देखने को मिला। ऐसा जानते हैं क्यों? क्योंकि अभी जो करंट में जो इंटरफेस आपको देखने को मिल रहा है वो जो है इनबॉक्स बाय गूगल सर्विसेज जो था, मतलब कि गूगल इनबॉक्स जिसे कह सकते हैं, उसका सारा कुछ इंटरफेस था। तो वो सर्विसेज को जो लिया है और जीमेल में जो है इम्बेड कर दिया है, और इसीलिए दोस्तों उस सर्विस को, चूंकि उस पर रिस्पॉन्स ज़्यादा नहीं मिला, ऐसे में उस सर्विस को गूगल अनाउंस कर दिया है कि अब इसको बंद कर दिया जाएगा। तो पहले सर्विस तो ये हो गई। बात करते हैं दूसरे सर्विस की, तो वो है गूगल URL शॉर्टनर। शॉर्टनर मतलब छोटा करना। URL शॉर्टनर सर्विसेज के बारे में ऑलरेडी मैंने बता दिया है, बहुत बड़ा लिंक रहता है, तो उसको जो है शॉर्ट करने के लिए URL शॉर्टनर सर्विस जो है गूगल के थ्रू जो है आप URL को शॉर्ट कर सकते थे। और जैसा कि आप लोग जानते हो कि बहुत सारे जगह आपको जब लिंक मिलता था तो GOOG ऐसे करके मिलता था ना, वो सर्विसेज को आप जो है 2019 से देखने को नहीं मिले। तो भैया, मैं आपको जो सजेस्ट कर देता हूँ कि अगर अभी भी आप URL शॉर्टनर सर्विसेज को इस्तेमाल कर रहे हैं तो गूगल का जो URL शॉर्टनर है उसको छोड़ दीजिए, आप बिटली या दूसरे डिफरेंट जो सर्विसेज प्रोवाइडर है वहाँ पे स्विच कर सकते हैं। जैसे कि मैं जो है बिटली का इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे लिंक का ट्रैकिंग, सोर्स, ट्रैफिक सब कुछ डिटेल्स मुझे मिल जाता है, तो आपको इसके बारे में ज़रूर पता होनी चाहिए। चलिए, दो सर्विसेज के बारे में मैंने बता दिया, अब बात करते हैं तीसरे सर्विसेज की। दोस्तों अगला जो है, जो आपको मतलब गूगल का जो सर्विस सक्सेसफुल नहीं हुआ, जिसको बंद करने की कगार पे है, वो है गूगल एलो, जो भी प्रोनाउंसिएट कर लीजिए, मैं कहूँगा गूगल एलो। और ये जो है, जैसे आप मैसेजिंग करने के लिए आप एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं, जैसे व्हाट्सअप हो गया, क्या करते हैं वहाँ पे आप एक दूसरे से चैट करते हैं, ऐसे ही दोस्तों यहाँ पे भी है, ये चैटिंग के लिए एप्लीकेशन इस्तेमाल होता था, लेकिन लोगों का रिस्पॉन्स बढ़िया नहीं मिला, लोग इसको जो है नहीं चुने लोगों को, चूँकि देखिए होता क्या, गूगल ने दो एप्लीकेशन निकाला था डिफरेंट डिफरेंट वर्क के लिए, तो लोगों को लगा कि यार एक एप्लीकेशन में सब कुछ मिल रहा है, ऐसे में दूसरे एप्लीकेशन की क्या ज़रूरत है। इसीलिए जो है लोग जो है इसको पसंद नहीं किए, और जिस चीज़ को लोग नकार देते हैं, लोग पसंद नहीं करते हैं, तो ऐसे में दोस्तों उस सर्विस को बैक लेने में ही कंपनी के लिए भला ही रहता है। तो ये हो गई बात। लेकिन दोस्तों एक जो है बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा, जिस सर्विस को गूगल ऑफिशियली बंद करने वाला है, और वो है गूगल प्लस, जिसे जी प्लस कहिए। दोस्तों ये भी जो है कम्युनिटी टाइप का था, जहाँ पे लोग जो है अपनी बात को रखते हैं, शेयर करते हैं, लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं हुआ। लेकिन एक चीज़ और इसमें मैं कहूँगा, इस सर्विस को बंद करने के पीछे गूगल का बहुत ही बढ़िया मतलब कि जो स्टेप रहा बहुत अच्छा रहा। क्या है मैं बता देता हूँ, एक्चुअली क्या हुआ कि दो बार डेटा ब्रीच हो गया, जो आपको तो न्यूज़ मिल ही गया होगा, मैंने नहीं बताया था चूँकि मैं सिर्फ एक न्यूज़ के लिए वीडियो बनाने का नहीं सोचा था, और चूंकि इसके बारे में मैं सोचा था कि मैं आगे वाले मतलब आने वाले समय में बताऊंगा ही, आगे जब बताऊंगा तो फिर इतना सा न्यूज़ बता के कोई फ़ायदा होता नहीं है। हुआ क्या सो बताते हैं, दो बार जो डेटा ब्रीच हुआ, इसके बाद गूगल ने एक स्टेप बहुत ही बढ़िया लिया। सोचा था कि बाद में जो है कुछ दिन बाद जो है इस सर्विस को बंद करेंगे, लेकिन उससे पहले ही बंद करने की प्लानिंग कर लिया। उनका कहना मतलब कि गूगल के जो ऑफिशियल्स हैं उनका ये कहना हुआ कि मैं यूजर के जो सेंसिटिव डेटा है उसको बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करता हूँ, अगर मैं सर्विसेज ढंग से प्रोवाइड नहीं करा पा रहा हूँ तो मेरा कोई हक यहाँ पे नहीं बनता है कि मैं उस सर्विस को कंटिन्यू रखूँ। दूसरा ये कि ऐसा नहीं है कि गूगल प्लस बहुत पॉपुलर था और डेटा ब्रीच के कारण बंद हुआ। देखिए दोस्तों, गूगल जो है बहुत बार ट्राई किया सोशल मीडिया के फील्ड में आने के लिए, बहुत बार, लेकिन सोशल मीडिया के फील्ड में गूगल का जो स्टेप होता है वो दूसरे एज कम्पेयर टू, जैसे फेसबुक क्या एक बार जंप मारा और इसके बाद आगे बढ़ते जा रहा है, सोशल मीडिया के फील्ड में बहुत सारे फीचर्स ला रहा है और उस फीचर को लोग पसंद भी कर रहे हैं, लेकिन गूगल का जो है ये सर्विस भी नहीं चला। तो सोच लिया था कि जब यूज़र नहीं है तो इसको मैं बंद करूँगा,
लेकिन क्या हुआ, इसी बीच डेटा ब्रीच हो गया। डेटा ब्रीच हुआ, तुरंत नोटिफिकेशन मिला कि इतने पीरियड के बाद बंद कर दिया जाए। लेकिन फिर एक और डेटा ब्रीच हो गया, तो गूगल ने सोचा कि नहीं, अब मैं यूजर के जो है जो इन्फॉर्मेशन है इसके साथ खेल नहीं करूँगा, लोगों को नुकसान ना हो, इसलिए ये बंद कर। लेकिन एक तरफ फेसबुक है, रोज़ खबर मिलता है कि डेटा ब्रीच हो गया, लेकिन पता नहीं इसके पीछे क्या हो रहा है। लोग जानते हैं अपने इंडिया में क्या हुआ था, इंडिया वाला मैटर जाने, कैम्ब्रिज एनालिटिका वाला भी मैटर जान गए थे। तो बहुत सारे ऐसा ब्रीच आते रहता है फेसबुक पे, तो फेसबुक पे ऐसा लग रहा है कि ट्रस्ट फेसबुक खोते जा रहा है, और फेसबुक को ऐसा नहीं पेनल्टी नहीं मिलता, अच्छा खासा पेनल्टी भी भरना पड़ता है। तो ये सब गूगल के सर्विसेज थी जो कि आपको 2019 में देखने को नहीं मिलेगा। ये भी इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि जैसे क्रोम वेब ब्राउजर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्रोम वेब स्टोर जो होता है उसको भी प्लान कर रहा है गूगल कि इसको बंद कर दे। मतलब कि जैसे एक्सटेंशन हो गया, कुछ भी हो गया, वहाँ पे आप डालते हैं ना वेब स्टोर पे, तो लोगों का क्या है, इसके थ्रू जो है लोगों का यूजर, मतलब यूजर का जो है डेटा लीक भी हो रहा है। मैंने आपको ये बताया था ना कि लोगों का पासवर्ड भी बीच में लीक हो गया था। तो ऐसा एक्सटेंशन के कारण जो है गूगल रिस्क नहीं लेना चाह रहा है। गूगल ये चाह रहा है कि मेरे प्लेटफॉर्म पर जो भी रहे एकदम नीट एंड क्लीन रहे, गूगल का जो विश्वास है यूजर के साथ, मतलब यूजर जो है गूगल पे इतना विश्वास करे तो उस विश्वास को ये खोना नहीं चाहता है। ये मैं इसलिए इसको सपोर्ट भी करता हूँ कि गूगल का जो भी सर्विसेस है ना, आंख बंद करके विश्वास किया जा सकता है, क्योंकि ये सबसे पहले यूजर का मतलब कि प्रेफरेंस फर्स्ट रखता है, पहले यूजर बाद में बाकी दुनिया। तो कैसा लगा ये वीडियो आप बताइएगा। ये जो सर्विसेज मैंने बताया है इसके बारे में कौन सा सर्विसेज था जिसके बारे में आपको पहले से पता नहीं था, ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अपना ओपिनियन, अपना सलाह जो भी होगा मुझे ज़रूर बताइएगा एक दोस्त के नाते। और मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनको भी जानकारी मिलेगी कि गूगल का कौन कौन सा सर्विसेज था, कौन कौन सा सर्विसेज आने वाले समय में बंद हो जाएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना, वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।